हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल ग्रुप में। तो आज की इस वीडियो में, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे पहले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसके साथ आप ज़रूर जुड़ें और साथ में हमारे अपने इस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियो जो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था कि डेली यूज़ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं, जो डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो मैंने पूछा था कि क्या आप इसका सेकंड पार्ट भी चाहते हो। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ, हमें सेकंड पार्ट भी चाहिए। तो आप सेकंड पार्ट देखने के बाद कमेंट करके ये भी बताना कि अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए तो हम थर्ड पार्ट भी आप लोगों के लिए बनाएंगे। इसमें जो सेंटेंसेज हैं बहुत अच्छे हैं, डेली यूज में जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो वो सेंटेंसेज आप लोगों के लिए हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और शेयर भी करें और लोगों तक, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है टचवुड। टचवुड का मतलब होता है कि कहीं नज़र ना लग जाए। जैसे मान के चलो, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, टचवुड, बहुत प्यारा लग रहा है, नज़र ना लग जाए। तो इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में वेकअप है। तो वेकअप का मतलब होता है जगना। इसके बाद जो ये थर्ड है, थर्ड में है गेटअप। गेटअप का मतलब होता है उठना, जैसे बिस्तर छोड़ना। अब वेकअप और गेटअप में क्या अंतर है? वेकअप का मतलब होता है जगना। जैसे मान के चलो, आप जग तो गए लेकिन अभी भी बेड पे बिस्तर पे हैं, आंखें आपकी खुल गई, आप जग गए लेकिन अभी भी आप सो रहे हैं। लेकिन गेटअप का मतलब क्या है कि बिस्तर छोड़ना, आप बिल्कुल बेड से उतर गए हैं और अपने काम वाम में लग गए हैं। तो ये होता है गेटअप। ये अंतर आप समझ लीजिए। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे गेट इट रिपेयर्ड। इसका मतलब होता है कि जैसे इसे ठीक करवा दो या करवा लो। जैसे मान के चलो, आपके घर में टीवी खराब हो गया, तो कोई बोल रहा है फैमिली मेम्बर कि गेट इट रिपेयर्ड। इसका मतलब है कि इसे ठीक करवा लो या करवा दो। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, और इससे पहले भाई, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हम करते रहेंगे। ये चीज़ें आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगी इतनी बारीकी से। तो फिफ्थ नंबर पे जो है, स्विच ऑन या ऑफ द टीवी। तो अगर हम बोल रहे हैं कि स्विच ऑन द टीवी, इसका मतलब है कि टीवी को चला दो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्विच ऑफ द टीवी, तो इसका मतलब है कि टीवी को बंद कर दो। ऐसे ही स्विच ऑन द लाइट या स्विच ऑफ द लाइट, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, स्विच ऑन द फैन या स्विच ऑफ द फैन। इसके बाद सिक्स्थ नंबर पे जो है, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर्स। जैसे हम बोलते हैं कि भाई बालों में तेल लगा लो। तो ये सेंटेंस वैसे बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आप बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ये सेंटेंस लिया, और डेली यूज़ में होता है। जैसे भाई, बच्चों को आप तैयार कर रहे हो या आप खुद भी तैयार हो रहे हो, तो आप बोल सकते हैं कि भाई बालों में तेल लगा लो, तो अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर्स। इसके बाद यहाँ पे सेवन्थ नंबर पे है पील ऑफ द बनाना, या यहाँ पे हो सकता था कि पील ऑफ द ऑरेंज। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे केला छील दो या संतरा छील दो। तो छीलने के लिए यहाँ पे पील ऑफ का यूज़ करेंगे, केला संतरा इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं उनके लिए। तो इसके बाद आगे देखते हैं। एट्थ नंबर पे है पुट ऑन द शूज़। जैसे हम बोलते हैं कि भाई जूते पहन लो, तो पुट ऑन द शूज़ बोलते हैं इसे, कि जूते पहन लो। इसके बाद टेक ऑफ द शूज़। अगर हम किसी से बोल रहे हैं कि जूते उतार दो, तो क्या बोलेंगे, टेक ऑफ द शूज़, जूते उतार दो। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है जिसका आप वेट कर रहे होंगे। तो जैसे हम बोलते हैं कि आपके लिए एक रिश्ता आया है, तो हालांकि खुशी तो होती है सुन के, तो इसका क्या बनेगा, देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर यू। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए एक रिश्ता आया है। तो आने के यहाँ कम वगैरह ऐसे यूज़ नहीं करना। तो ये क्या है कि मैरिज प्रपोजल है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेंटेंसेज आपको बताए हैं तो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और हमें भी अच्छा लगे, इसलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके अंगूठे में दर्द नहीं हो रहा हो तो भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको इसका थर्ड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू, जय हिंद।